नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। बांसवाड़ा शहर में इन दिनों बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है। लोग इस कदर डरे हुए हैं कि अपने घर से बाहर आने को तैयार नहीं, और ऐसा एक दो घर नहीं बल्कि 5 कॉलोनियों का हाल है। पिछले एक माह से इन बंदरों ने बच्चों बूढ़ों सहित 10-12 लोगों को काट लिया है। मोहल्ले में करीब 25 से 30 बंदर हैं। शहर के मंदारेश्वर रोड, मदार कॉलोनी, भीमपुरा, मुस्लिम कॉलोनी, नबीपुरा, मधुबन कॉलोनी में पिछले एक माह से बंदरों का आतंक है। रोज एक दो लोगों को बंदर द्वारा काटने की घटनाएं हो ही रही हैं। बंदरों के आतंक से लोग अब घरों से बाहर निकलने और छत पर जाने से भी कतराने लगे हैं। घर का सामान तक नहीं ला पा रहे हैं, बच्चे घर के अंदर कैद हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह शाम बंदरों का झुंड घरों की छतों पर दौड़ते रहता है। अधिकतर हमले सुबह के समय हुए हैं। एक दो बंदर ऐसे हैं जो किसी को भी देखते हुए काटने को दौड़ते हैं। घर का सामान लाने में भी डर लगता है। बंदरों ने कई बच्चों को इतना ज्यादा काट दिया कि उनको कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद नगर परिषद ने कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं नगर परिषद भी इसको लेकर जद्दोजहद में है कि आखिर इन बंदरों का इलाज कैसे किया जाए। न्यू मधुबन कॉलोनी में रहने वाली 6 साल की लीजा फातिमा को बंदरों ने काट दिया। लीजा छत पर खेल रही थी, तभी 2 बंदरों ने उस पर हमला बोल दिया, जिससे उसका हाथ पूरी तरह से जख्मी हो गया। लीजा के पिता मोहम्मद रफीक ने बताया कि बच्ची घायल होकर गिर गई। उसको इलाज के लिए दाहोद अस्पताल लेकर गए, हाथ का ऑपरेशन किया गया। अब भी कॉलोनी में बंदरों का आतंक है। बच्ची को काटने पर अभी तक करीब 50,000 से ज्यादा का खर्च आ चुका है। अभी भी लगातार दवाई चल रही है। हाथ को ठीक होने में करीब 1 महीने से ज्यादा का समय लगेगा। पढ़ाई भी बिल्कुल बंद हो चुकी है। मदार कॉलोनी की रहने वाली 65 वर्षीय हुसैना बानो को भी बंदर ने काट लिया। उनके साथ टाके लगाने पड़े। हुसैना ने बताया कि वह पास ही के पड़ोस में शादी के बाद घर लौट रही थी, तभी 2 बंदरों ने उन पर हमला कर दिया। पैर को काफी काट दिया, मांस तक बाहर निकल गया। मुश्किल से घर पहुंची, कई दिनों से ही अब तक चारपाई पर है। घर के बच्चों को भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। छत पर भी लगातार बंदर आ रहे हैं। नगर परिषद आयुक्त प्रभुलाल भाभोर का कहना है कि बंदरों की समस्या तो आ रही है, लेकिन हम भी इसमें क्या कर सकते हैं, केवल भगा तो सकते हैं लेकिन पकड़े तो कैसे। अभी इसको लेकर सभापति से चर्चा हुई है कि इसमें क्या करें। साथ सफाई कर्मियों के साथ एक टीम बना रहे हैं जिससे बंदरों को यहाँ से भगा सकें। सहायक वन रक्षक उदयपुर के डॉक्टर सतीश शर्मा ने कहा कि बंदर हमला क्यों करते हैं। बंदर तभी काटता है जब किसी ने उसे परेशान किया हो या उस पर हमले किए जा रहे हो। बंदर को लगातार खाना देने या भूखे होने की स्थिति में भी वे हमला करते हैं। उसे प्रकृति से खाने की आदत छूट गई हो तो वो झपट कर खाना छीनते हैं। कई बार बंदर पागल भी हो जाता है। हमले से बचने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि लोगों को एकांत में जाकर बंदर को खाना नहीं खिलाना चाहिए। बंदर की आंखों के सामने आंखें कभी नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि घूरने के बाद ही बंदर अक्सर हमला करते हैं। बंदर के सामने खाना नहीं खाएं। बच्चों और महिलाओं पर ज्यादा हमला करने की आशंका रहती है, उन्हें दूर रखें। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।